हमने लास्ट जो सेशन किया था उसमें हमने स्टार्ट करी थी यूनिट 4 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, बीएससी थर्ड ईयर की। और उसमें हमने पढ़ा था सेल के बारे में, क्योंकि यूनिट 4 जो है वो सेल की थी। ठीक है, हमने इसमें पढ़ा था कि सेल क्या होता है, वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हमने पढ़ी थी कि हिस्ट्री, और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा डीएनए या फिर आरएनए। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, उसको हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और सेल की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने करी थी। इसको तो हमने माइक्रोस्कोप में भी देखा था कि उन्होंने कैसे एक व्हाइट ओक प्लांट के अंदर, ठीक है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने डिस्कवरी करी थी सेल की, ठीक है, 1665 में। फिर हमने पढ़ा था, ठीक है, ये देखिए इसका डायग्राम है। और फिर हमने पढ़ा था एंटनी वैन लियोनॉक जब आए थे, कब आए थे, 1675 में। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑर्गेनिज्म, मिनिस्कल ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करी थी। इन्होंने ही यूज टू मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोप विद सिंगल लेंस। उन्होंने तो एंटनी वैन लियोनॉक और रॉबर्ट हुक ने तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था, और एंटनी ने कौन सा यूज किया था, सिंगल लेंस का माइक्रोस्कोप यूज किया था। ठीक है, जितने की जो ओरिजिनल साइज जो है वो उससे एनलार्ज होकर कितने, 200 से 300 टाइम्स बड़ी इमेज दिखती है। फिर हमने पढ़ा था ओमनी सेलुला सेलुला, ये जो था वो रिचार्ड वर्गो ने दिया था, जो कि मेन था यहाँ पे, देखो 1858 में, सॉरी रेडोल्फ वर्गो ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था कि एक कॉन्सेप्ट बताया था ओमनी सेलुला सेलुला, मतलब कि ये सेल जो होता है वो कहाँ से होता है, फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग लिविंग सेल, एक सेल से दूसरा सेल मिलता है। फिर हमने ये 3 पॉइंट्स पढ़े थे भाई, बेसिक यूनिट बता दिया मैंने, प्री एक्सिस्टिंग भी बता दिया, और एक से ज्यादा सेल के बनते हैं, ये तीनों पॉइंट्स मैंने बता दिए। ये तीनों आप लिख सकते हो एग्जाम में। ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो, ग्रेड अप स्किल्स करके आपका यूट्यूब चैनल है, आप वहां पे सर्च करके फिर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सेल का शेप, साइज, नंबर। तो सेल जो होते हैं वो हर तरीके के होते हैं, जैसे कि स्फेरिकल होते हैं, ठीक है, फिर राउंड होते हैं, इस तरीके का कोई राउंड बोलते हैं, जैसे इलोंगेटेड या इरेगुलर, मतलब हर तरीके के आपके शेप को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर सेल अगर फ्लैट है, मतलब एकदम आपके सेल फ्लैट रखे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका एग्जांपल एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल में क्या होता है, तो शेप होती है एकदम फ्लैट होती है। फिर स्पिंडल शेप किस में होती है, मसल सेल में होती है, ठीक है, और नर्व सेल में भी होती है। अब कुछ टिपिकल पैरेन्काइमा सेल होते हैं प्लांट्स में, जिसमें 14 साइट्स होती है, मतलब 14 साइट अगर किसी में है, किसी सेल में 14 साइट्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेन्काइमा सेल बोलेंगे। कुछ सेल्स होती हैं जैसे कि अमीबा, ल्यूकोसाइट्स, एल्गी, डाइएटम्स, ठीक है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ शेप की होती हैं। देखो ये रहे एग्जांपल, एपिथेलियल सेल्स ऐसे एकदम फ्लैटेन, पैरेन्काइमा में देखो 8 साइट्स हैं, ठीक है। फिर ऐसे कोलेनकाइमा सेल्स हो गई, ईस्टोसाइट्स हो गई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, लिवर सेल्स, लिवर सेल्स तो देखी भी होंगे आप लोगों ने, नर्व सेल्स। फिर आते हैं आपका सेल का जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, मतलब कि डिपेंड करता है एनिमल की रेंज के ऊपर, मतलब एनिमल सेल की रेंज के ऊपर, किसी में होता है 10 से 30 माइक्रोमीटर, और किसी में मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 100 माइक्रोमीटर तक भी होता है। अगर हम बैक्टीरिया सेल की बात करें, सिर्फ बैक्टीरिया सेल की बात, तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0.2 से 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, वहां पे जो सेल है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एनिमल सेल पाया गया है, उसमें अगर हम मेजर करके पता चला कि ये 6 इंच का है, 15.2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, विच सेल अराउंड इट, ठीक है, और लार्जेस्ट सेल है। अगर ये वन वर्ड में भी आ गया, अगर लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो ऑस्ट्रिच का एग सेल जो होता है वो लार्जेस्ट सेल है एनिमल। फिर ये आपका डायग्राम है, सॉरी
चलो हमें नहीं पढ़ना इतना ध्यान से। फिर हम पढ़ेंगे आज ये इलेक्ट्रॉन और लाइट माइक्रोस्कोप में दिखाई कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हो तो कैसे इमेज आपको दिखती है और लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे तो दिखते नहीं। मैं थोड़ा पढ़ा लाइट माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कैसे दिखेगी। अगर आप 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक देखना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन भी देख सकते हो। लाइट माइक्रोस्कोप की जो रेंज होती है वो कम होती है, मतलब कि आपकी यहाँ तक ही होती है। देखो 1 से 100 माइक्रोमीटर यहाँ तक की दिखाई है, और नैनोमीटर वाली कहाँ पे आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन में भी आ जाएगी। तो ये साइड शेप ही है, जैसे मैंने अभी बताया था कि आरबीसी, यहाँ पे देखो आरबीसी का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, स्पायरल शेप आ गया। फिर आपकी नर्व सेल्स आ गई, फ्लैटेन स्ट्रक्चर भी आ गया, पॉलीग्रेन भी आ गया, सारे आ गए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। हमने माइक्रोस्कोप में भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि हम कैसे स्टडी कर सकते हैं और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को कैसे हम देख सकते हैं। अब दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि डीएनए हो गया, आपका आरएनए हो गया, राइबोसोम, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन दिया ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, वो किसकी बेसिस पे, किसने दिया है, डॉटरी ने दिया है 1957 में। ये देखो है ना कि इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी, साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए आरएनए राइबोसोम। फिर प्रोकैरियोटिक कहाँ से आया है, प्रो मतलब होता है बिफोर, कैरियन मतलब होता है कर्नल, ठीक है। प्रो मतलब होता है बिफोर, कैरियन मतलब होता है कर्नल, और न्यूक्लियस मतलब कर्नल का होता है न्यूक्लियस, ठीक है। जिसमें बिफोर न्यूक्लियाई हो उसको हम बोलते हैं प्रो कैरियन, ठीक है। मतलब कि इसमें एकदम ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपरली न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल के जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एगी बोलते हैं, तो ये प्रोकैरियोट का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। स्पायरोकाइट्स हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गया, रिकेट्सिया हो गया, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोट्स के। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, सिंपल होते हैं यूकैरियोटिक के मुकाबले। अगर हम कंपेयर करें तो कंपेरेटिवली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं और बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड की और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और सेल वॉल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो हमने अभी बात करी थी, और वो एनक्लोज होती है सेल, मतलब सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो यू न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये तो हमने बताया था। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन ऑन अ सिंगल क्रोमोसोमर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये कहाँ पे, जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। फिर अब हम पढ़ेंगे डिटेल में प्रोकैरियोटिक सेल बीबी बाई सी टी 131 के अंदर। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सही के अंदर क्या क्या होता है। कैप्सूल, कैप्सूल का काम क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, मतलब एक तरीके से आप ये मानो कि आपके सही को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है कैप्सूल, ठीक है। और ये किसकी बनी होती है, पॉलीसेक्राइड की बनी होती है। प्रोटीन हो भी सकती है, नहीं भी, दोनों ही बातें हैं, पर मेन जो है वो इसका काम है प्रोटेक्शन का। फिर आ जाते हैं सेल वॉल, सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, और इस मतलब लिपिड्स की बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की, यहाँ पे अमाइनो एसिड्स की बनी होती है ये, ठीक है। और ये प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया वॉल को फ्रॉम बर्स्टिंग, मतलब सेल जो है आपका ऐसी बर्स्ट नहीं हो सकता, उसको प्रिवेंशन में हेल्प करती है। मतलब हमारा, हमने पढ़ा कैप्सूल जो है वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, सेल वॉल जो होती है वो प्रिवेंशन में हेल्प करती है सेल की, ठीक है। और सेल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर और ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो होते हैं वो सिंगल लेयर सेल होते हैं और थिकनेस जो होती है वो ज्यादा होती है। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो डबल लेयर होती है, और एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव इट इज मोर थिनर। देन वी विल टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन।
व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन वो होती है जो आपकी सराउंडेड होती है साइटोप्लाज्म से, ठीक है? साइटोप्लाज्म को हम मतलब साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होती है, और इसको हम सेमी परमिएबल कहते हैं, ठीक है? और मतलब सेल की ही एक लेयर होती है ये, ठीक है? और ये जो होती है वो बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपकी कोई भी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट, अगर वो कोई भी सब्सटेंस आपका कोई भी सेल के अंदर आ रहा है तो ये सेल मेम्ब्रेन के कंट्रोल में होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंगली आएगा। ये मान लो कि सेल मेम्ब्रेन से ही एंट्री होगी उसकी, और सेल मेम्ब्रेन से ही एग्जिट होगा उस सब्सटेंस का। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ग्रेनुलर प्रेजेंट होते हैं इसमें क्रिस्टलर कोलाइडर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? और इसमें साइटोप्लाज्म बेसिकली जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। इसके साइज के स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे कि राइबोसोम्स हो गया, मेसोसोम्स हो गया, क्रोमेटोफोर्स हो गया, सारी बॉडीज जो है वो सारी साइटोप्लाज्म के अंदर आती हैं। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम होता है आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है एक, जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर 70S टाइप होता है। मतलब कि 70S का मतलब क्या है, इसमें सद्वर्ग बोलते हैं, जैसे सद्वर्ग यूनिट, जिसको हम डिवाइड होते हैं दो तरीके से, 50S और 30S। अगर आप इसको मिलाओगे तो वैसे तो 80S बन रहा है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो टोटल 70S टाइप का ही हम उसको बोलते हैं, और वो डिवाइड होता है दो में, तो लार्जेस्ट पार्ट होता है उसमें आता है 50S, और जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उसमें आता है 30S सब यूनिट। एस मैंने बताई दिया कि सद्वर्ग यूनिट को बोला गया है। 4 से 8 राइबोसोम्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं टू अ सिंगल आरएनए ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन के सिंथेसिस के टाइम पे राइबोसोम्स हेल्प करता है प्रोटीन के ब्रेक डाउन के टाइम पे, ठीक है? और 4 से 8 राइबोसोम्स जो है वो टोटल अटैच होते हैं एक सिंगल आरएनए पे, सिंगल आरएनए पे। मीजोसोम्स क्या होता है? मीजोसोम्स जो होते हैं वो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन को आप बहुत ज्यादा फोल्डिंग स्ट्रक्चर में जाओगे तो मीजोसोम्स में आ जाएगा, ठीक है? इसमें क्या होता है कि इसको एनालोगस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया है यूकैरियोटिक सेल का। क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी एंजाइम के लिए एक पर्टिकुलर साइट क्रिएट करता है, क्रिएट क्या करता है तो होता ही है, और ये हेल्प मतलब सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में भी। तो वैसे तो मेन काम जो मीजोसोम्स का है वो यही है कि वो सेल वॉल की फॉर्मेशन में और एप्लीकेशन में मेन जो है वो वर्क करता है। फिर फूड रिजर्व क्रोमेटोफोर्स क्या होता है? इंटरनल मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोटिक सेल की, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में बेसिकली प्रेजेंट होती है, और इसकी जो इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको हम थाइलाकोइड्स या फोटोसिंथेटिक लैमेले बोलते हैं। ये सरफेस एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म के सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है? ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरीके की होती हैं। ये क्या करती है? फूड को स्टोर करने में हेल्प करती हैं, गैसेक्यूल को या फिर कार्बोक्सिसोम्स को या मैग्नेटोसोम्स को स्टोर करने में हेल्प करती है। ये जो होते हैं सिंगल लेयर सेल्स होते हैं, 2 से 5 नैनोमीटर थिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। ये थोड़ा मैं फूड रिजर्व मैंने बता दी, जो स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं ग्रेन्यूल्स को, उसको हम फूड रिजर्व कहते हैं। और एक दो तरीके के ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, एक तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स और एक होते हैं पीएचबी ग्रेन्यूल्स, दोनों को ही स्टोर करने में हेल्प करता है। फिर गैस वैक्यूल क्या होते हैं? ये बहुत ज्यादा कॉमन एक्विटिक सी फ्लोटिंग बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और गैस वैक्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली फ्लोटिंग में, बायोन्सी में और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की पोजीशन में हेल्प करते हैं। मतलब कि ये कि इनकी वजह से ना इधर से उधर मूवमेंट होता रहता है, कैसे फ्लोट करते रहते हैं। एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि ये ना पूरी मतलब कैसे वैक्यूल है तो ऑब्वियसली बात है वो पूरे सराउंड में पूरे सरफेस एरिया पे मूवमेंट करते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस में जैसे सनलाइट आती है तो ये ट्रैप हो जाते हैं, मतलब कि जैसे ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा आपका तो फाइटोप्लैंक्टन वाटर के अंदर होता है, जो कि ट्रैप हो जाता है वाया सनलाइट।
इनको ये लेकिन गैस वैक्यूल जो थे वो स्यूडो वैक्यूल से ज्यादा अच्छे होते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉर्स वैक्यूल, जैसे कि जो न्यूक्लियस नहीं होता ना वैसे ही स्यूडो वैक्यूल, मतलब कि जो वैक्यूल प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं है। फिर हम कार्बोक्सीसोम्स के होते हैं, ये स्पेसिफिक साइट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो कि मतलब कि स्पेसिफिक साइट है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की, आप इतना याद रख लीजिए क्योंकि बाकी कुछ ऐसा यूजफुल है नहीं इसमें। ये जो यूनिट 6 है उसके अंदर पढ़ाया जाएगा फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म पूरी होगी, उसमें हम कार्बोक्सीसोम को डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की स्पेसिफिक साइट है। मैग्नेटोसोम्स क्या है, ये मैग्नेटाइट से पूरे एक तरीके से फिल अप होते हैं, ठीक है, एक ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो मैग्नेटाइट से फिल अप होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है स्पेसिफिक ओरिएंटेड मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करते हैं, मतलब कि एक डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो शो करेगा। प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स जो होता है वो मेन पूछ लेते हैं, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये क्या होते हैं अपने आप ही मल्टीप्लाई होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का इनके अंदर फंक्शन होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और फिर इट वाज इंट्रोड्यूस बाय प्लाज्मिड, किसने डिस्कवर किया था, लेडरबर्ग और हेज ने 1962 में। फिर हम आ जाते हैं फ्लैजिला, फ्लैजिला जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, लोकोमोटिव होता है, लोकोमोटिव मतलब की मूवमेंट करते रहता है, जैसे कि स्विमिंग नहीं होती है ऐसे ही, ये ऐसे 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 वेव्स की फॉर्म में मूवमेंट करता रहता है, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। पिलाई फैमिली के होता है, पिलाई एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ बोल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा में ग्रोथ होती है 18 से 20 नैनोमीटर लॉन्ग एंड मेड अप ऑफ पिलेन प्रोटीन, एक पिलेन प्रोटीन होती है उसकी बनी होती है। पिली और फेमरी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, और हेल्पिंग कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, 1 से 4 पिली जो होती है वो प्रेजेंट होती है पर सेल। और अगर हम इसके फेमरी, अगर हम पिली तो हो गया, फेमरी क्या होते हैं, फेमरी होते हैं ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका सरफेस अपेंडेजेस क्या होते हैं 6.1 से 7.5 नैनोमीटर के अराउंड होती है, 3 से 10 नैनोमीटर डायमीटर में होते हैं, टेंशन का काम करता है, टेंशन का मतलब कि जोड़ के रखता है, अटैचमेंट का काम करता है एक तरीके से। यूकेरियोटिक सेल की बात करें, यूकेरियोटिक नाम से पता चला है, यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, पता था जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वहां पे नहीं था और यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर इसमें भी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल सारी चीजें सेम है, पर सेल वॉल एक एक्स्ट्रा होती है, तो ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन से बाहर प्रेजेंट होती है, इसका जो काम है वो, ये सेल वॉल जो होती है वो एबसेंट होती है एनिमल सेल में, हमने उस एक क्लास में डिस्कस किया था जो हमने माइक्रोस्कोप पढ़ा था तब। और दे हैव अ लेयर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट की लेयर बनी होती है जिसको हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, यहाँ पे सेल कोट बोलते हैं। फिर साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस मैंने पढ़ाया था, और ये हमारी यूनिट खत्म हो गई। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम एक क्लास में सारे डिस्कस करेंगे, सारे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। आई गेस थर्सडे की क्लास में हम ट्राई करेंगे कि सारे कवर कर लें टॉपिक, क्योंकि एग्जाम भी आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं अभी